बाबा अब्दुल हकीम जो तुम मुल्तान वाली साइड पर जाते हो ना एक स्टेशन आता अब्दुल हकीम यह है तो अल्लाह का वली आ मगर काम पता की करता कपड़े धोन का ते नाले कपड़े नू रंग करना ए दा पेशा सी। उस इलाके दे अंदर चार सफेरे हिंदुआ दे घर एक बीबी कपड़े लैके आंदी आ दुपट्टे लैके आंदी है कहन लगी बाबा जी फलां दिन नू मेरे बेटे दी शादी है ए कपड़े लै लो हर सूट दे नाल उहदा दुपट्टा उसे रंग दा होना चाहिदा। फरमा बीबी बेटी जी रख दियो कपड़े रख दिते गए वो दुपट्टे रख दिते गए ने बाबा जी अपने काम लग गए वो दिन आ गया उसे दिन ही बच्चे दी बरात जदों बीबी आंदी है बाबा जी कपड़े तैयार हो गए ने रंग कर दिते गए ने आप फरमान लगे बेटी जदों कपड़े छड के गई सां उस तो बाद मेरा ख्याल ही इस पासे नहीं गया। बाबा जी बरात तैयार हो गई असी सूट खाने कपड़िया के दिखाने ने जदों दुपट्टे ही सफेद होणगे बनेगा की उन्हें रौला पाना शुरू कर दिता बाबा मेरा टाइम जाया किया तीन दिन हो गए ने तेरे वाल कपड़े भेजे हुए। फिर मैं घबरा ना कोई गल नहीं असी तेरा मसला हल कर दें उन्हें कहा मसला हल कित्थे होना वा बरात का टाइम तीन दिन हो गए ने तेन ख्याल ही नहीं आया। फरमाया बीबी घबरा ना हुणे तेरा मसला हल हो जाएगा। ते बाबा जी उस वेले मिट्टी तैयार कर रहे सन लपाई वास्ते लियाओ मैनू कपड़े फड़ावो उन्हें फड़ा दिते बाबे ने कपड़े जड़े सन मिट्टी च रख दिते वो होर खराबी हो गई गारा लग गया उन्हें कहा बाबा रेंदी खूंदी कसर भी कर दिती हो मैं क्या सी रंग हो जाते तो कम ठीक हो जाता साढ़ा अच्छा जिंद अपना शादी का प्रोग्राम बन जाता तुसी बजाए रंगण दे उल्टा गारा ला दिता। बेटी घबरा ना परेशान ना हो तेरे रंग जेड़े ने पूरे हो जाएंगे बाबा जी करो फिर कदों करोगे मैं ते बिल्कुल तैयार कपड़े लैन वास्ते आई हाँ। मुसलमानों जो इन्नी बात होंदी है वो बाबा जेड़ा गारा तैयार कर रहा सी एक दुपट्टा फड़िया पुछया दस केड़ा रंग चाहिदा वा कहन लगी बाबा जी पीला रंग हो जावे उठाया ते पीला रंग हो गया हाँ भई हुण उन्हें आख्या जी ये सुरख रंग होना चाहिदा वा कपड़ा उठाया सुरख रंग हो गया जो तीसरा दुपट्टा उठाया वो जेड़ा रंग बोलिया ओदा ओहो ही रंग हो गया। बच्ची हैरान हो गई बीबी सोचन ते मजबूर हो गई ए बाबा की करना वा गारे दे अंदर कपड़े रखन तो बाद जेड़ा रंग बोली दा वा ओहो रंग निकल आंदा वा। आख्या बीबी तेनू पता नहीं अल्लाह ने मैनू ये निशान अता कीती है मैं जो कहना वा रब पूरा कर देंदा वा। उन्हें आख्या बाबा गल एदा नहीं हुण एदां गल बनेगी असी हिंदू लोग हम जंग जड़ी बरात तैयार हो रही है मेरा बेटा तैयार हो रहा वा बाबा मैं इन्हां नूं लैके आवांगी इस तेरे इलाके दे अंदर बरात इस पासों दी गुजारांगी बाबा मजा तां दवेगा जेड़े रंग दे अंदर तू रंगिया होया वा मेरी बरात भी उसे रंग दे अंदर रंग दे इन्हां दे रंग भी ओह चढ़ा जेड़ा तैनू रंग चढ़िया होया वा। अल्लाह दे वली किहड़ा रंग चढ़ांदे ने अल्लाह कहिंदा सिब तल्ला वमन हसनो मिन अल्लाह सिबगत नहनु लहू आबिदु। अल्लाह वाले अल्लाह दा रंग चढ़ाते ने अल्लाह दे रंग विच रंगते ने रब्बुल आलमीन फरमांदा लोगो अल्लाह तो आला रंग केड़ा हो सकदा वा। अल्लाह वाले अल्लाह दा रंग चढ़ाते ने आख्या बीबी ठीक आ तुसी जंज तैयार करो अपने मेल वाले लोग लैके आओ बरात वाले लोग लैके आओ पिछों जिस सूरत नाल मर्जी आना अपना जो भी प्रोग्राम करते आवोगे जदों इस जगह तो अगे लंघ जावोगे फिर सारे अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देंगे। वाकई पिछों नचते आ रहे ने गाते आ रहे ने भंगड़े पाते आ रहे ने यूं ही बाबे के दरवाजे गड़ी अगली साइड नूं हुंदे ना तो जबान तो कलमा शुरू हो जाता वा।